नमस्कार, रेड न्यूज में आप सबका स्वागत है। क्या भारत आयकर रद्द कर सकता है? आयकर समाप्त करने के लिए भारत का साहसी कदम। टैक्स, ये शब्द वास्तव में एक खौफनाक अर्थ रखता है, जो आपकी मेहनत से कमाए गए पैसों का एक अच्छा हिस्सा सरकार के खाते चला जाता है। यदि हम 30% कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी कमाई का तीसरे हिस्से को सरकार को समर्पित कर रहे हैं, अर्थात 4 महीने की मेहनत से आयकर दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो इस वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड को अनदेखा करते हैं। वे आयकर को झूठ में नहीं है, बल्कि उनके पास बेहतर सड़कें, उच्च गुणवत्ता की जीवन शैली और महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं। इसी वजह से वे अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। ऐसे कई देश हैं जो कर रिफ्यूजिस बने होते हैं, जहां निवासित और विदेशी दोनों को आयकर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन देशों के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपनी आय पैदा की है। कुछ देश तेल और नवाचारित पैकरों के माध्यम से आय पैदा करते हैं, जैसे कि विमान राज्य और मध्य पूर्वी के खलीज देश। कुछ देश पर्यटन को आर्थिक स्रोत के रूप में उपयोग करके अपनी आय पैदा करते हैं, जैसे कि कुछ कैरेबियन और पूर्वी यूरोपीय द्वीपीय राज्य। कुछ देश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर छूट और उन्हें प्रोत्साहन उपयोग करके अपनी आय पैदा करते हैं, जैसे कि नीदरलैंड और आयरलैंड। भारत के वित्तीय प्रयोजनों के लिए भी संभावनाएं हैं। विभिन्न तरीकों से हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और उचित प्रबंध द्वारा अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। आयकर आधार को बढ़ाकर हम धन परिसंचार को न्याय संगत बना सकते हैं। कृषि क्षेत्र में आय पर उचित सीमा लगा के हम अपने आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने और सिटीजनशिप के माध्यम से भी हम आय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने से हम धन के सही उपयोग की ओर बढ़ सकते हैं। आखिर में हमें ये समझना होगा कि किसी देश का आर्थिक विकास उसकी आय पैदा करने, प्रबंधन करने और उसका उच्च इस्तेमाल करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम वित्तीय परिदृश्य की बेहतर की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम आयकर और व्यय के माध्यम से वायदा करते हैं कि देश की प्रगति में योगदान करते हैं। I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने केयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।